हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज यानी 13 फरवरी 2023 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। देखा जाए तो विज्ञप्ति संख्या इतना है, PR 53/2023। हमने पहले भी आपसे कह रखा था कि आपको जल्द ही एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, साथ में आपका एग्ज़ाम डेट भी जल्द ही जारी हो सकता है। तो डेट जारी हो गया है, आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि है वो 25/2/2023 है। आज हो गया 13, कुछ दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड। और परीक्षा कब है तो स्टार्टिंग के मार्च में ही है, यानी 6 मार्च 2023 को ही है। तो बहुत बड़ा न्यूज उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने वाणिज्य संकाय में यानी जो कॉमर्स है उससे संबंधित अपने फॉर्म भरा था। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हम सोशल साइंस के हैं या साइंस के हैं, मेरा एग्ज़ाम होना चाहिए। इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्लियर हो गया, इसलिए आप मैसेज हमें नहीं करेंगे। ये केवल और केवल वाणिज्य संकाय का एग्ज़ाम होने जा रहा है, क्योंकि जो पहले से 2019 में पास हैं जब तक उनका बहाली नहीं हो जाता तब तक अन्य सब्जेक्ट का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन लोगों का बहाली होगा, एक चरण हो या दो चरण हो, इन लोगों का हो जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से आपको एस्टेट फिर से एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हेडिंग जो बनाया गया है वो है वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2022 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। सूचना क्या है? एतद द्वारा वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2022 के आवेदकों एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि कंप्यूटर आधारित उक्त परीक्षा यानी CBT मोड में होगा, यानी क्वेश्चन कंप्यूटर पे देने होंगे, ये पहले से भी बोल रखा है हमने। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिनांक 6/3/2023 को आयोजित होगी। याद रखिएगा डेट कब, 6 मार्च 2023 को आयोजित होगी, यानी एक महीने से भी कम दिन है आपके पास। को तैयारी अच्छी होना चाहिए। जो भी वेबसाइट पे मुझे लगा अपडेट करने के लिए जो आपके लिए यूजफुल है वो सारे चीज़ m.hindiclub.in वेबसाइट पे डाल दिया गया है। अगर आपने लिया होगा तो सारा अपडेट एक बार PDF वगैरह सारा चीज़ चेक कर लीजिएगा और सारा चीज़ जरूर पढ़ के जाइएगा। जितना मुझे लगा उतना चीज़ हमने डाल दिया है, और निश्चित रूप से अगर आप उतना करके जाते हैं तो अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। अब ऐसा मत कीजिएगा कि रीजनिंग का हमने दे दिया और रीजनिंग बनाने आप कहते हैं कि आता ही नहीं है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं। सारा चीज़ पे फोकस होना चाहिए, सब्जेक्ट पे भी रीजनिंग पे भी। तो उक्त परीक्षा जो है 6/3/2023 को आयोजित होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपका बाल विकास जो सेक्शन है ना वो थोड़ा सा हम आपको पढ़ा दें, कोशिश किया जाएगा, समय मिलेगा तो आपको 6/3/2023 से पहले कुछ वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। दिक्कत ये होता है ना कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है ना उसके बाद कॉमेंट आने शुरू हो जाते हैं उन बच्चों के जो वाणिज्य संकाय से संबंधित नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं उनका फॉर्म क्यों नहीं भरवा रहा हूँ, उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा रहा हूँ, उनका नोटिफिकेशन आ गया, इसीलिए थोड़ा बनाने में मुश्किल होता है। वो कमेंट, आपकी संख्या कम है उनकी संख्या ज़्यादा है तो कमेंट करना शुरू कर देते हैं वो, इसीलिए डालने पे भी परेशानी हो रहा है। लेकिन आप तैयारी करके जरूर जाइएगा। अगर किसी भी तरह का प्रश्न बच जाता है कि सर इस तरह का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो हमें पर्सनल व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा, उस पर स्पेशल वीडियो बनेगा आपके लिए, चाहे उसको कॉपी पेन पे मैं समझा दूंगा। इसके बाद प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र दिनांक 25/2/2023 के बाद समिति की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। समिति की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। इसको सूचना अलग से आपको मिलेगा कि 25/2/2023 को, 25 फरवरी 2023 को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया एडमिट कार्ड, उसे देखना है। इसके अतिरिक्त दो पॉइंट नंबर लिखा गया, अपरिहार्य कारणवश उक्त परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई दिक्कत होता है तो ये तिथि चेंज भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप लोग आजकल मैसेज डाल रहे हैं, एक चला है आप लोग का ये 15 पेज का जो आपका न्यूमाली, हम बता दें कि वो पुराना है और उसे वायरल मत कीजिए, और नया जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जिसे कहते हैं ना इंतज़ार का मजा लीजिए, वैसे ही कीजिए। निश्चित रूप से निश्चित तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार जो करना चाहेगी करेगी, लेकिन आपको देखने को मिल सकता है निमाली। बहाली के लिए तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल निमाली आपको देखने को मिल सकता है। इस पर अपडेट अलग से लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो कॉमर्स के हैं तैयारी में लग जाइए, अच्छे से देखिए,
ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें मत देखिए, 11th 12th के जरूर बना लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रीजनिंग या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन बना के जाइए, उससे कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए, उस तरह के प्रश्न आते हैं तो आराम से बना सके, बस इतना करके जाइए, निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। हमने बोला 11th 12th पूरा फाइनल कर दीजिए, बुक भी पढ़ सकते हैं। और एक और चीज़ कि आपने हो सकता है कि इंटरप्रेनरशिप सब्जेक्ट से भरा हो और अकाउंट्स आप देखना भूल गए हो, हम आपको बता दें अकाउंट्स जरूर देख के जाइएगा, उससे संबंधित कंप्यूटर जरूर पढ़ के जाइएगा, कंप्यूटर से प्रश्न रहेंगे, अकाउंट से निश्चित रूप से प्रश्न रहेंगे, बिजनेस स्टडीज से प्रश्न रहेंगे, आपके एंटरप्रेन्योरशिप से भी हो सकते हैं। तो ये सारे चीज आपको पढ़ने ही हैं, नहीं समझे होंगे तो फिर से समझ लीजिए, सारे चीज पढ़ने हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट में। ये एक लेशन भी है, कंप्यूटर का नहीं होगा तो मैं उस पीडीएफ को पढ़ा दूंगा, कोशिश करता हूँ कि पढ़ा दूंगा। और आपका एक रीजनिंग तो लगभग कंप्लीट है, कुछ चीज़ें बच जाता है, जैसे त्रिभुज वाला एक बार देख लीजिएगा, वो भी आ सकता है। तो हम बता रहे थे कंप्यूटर देख लीजिएगा, अकाउंट्स जरूर पढ़ना है आपको, बिजनेस स्टडीज देख लीजिएगा, और लास्ट में इंटरप्रेनरशिप को देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ पढ़ के जाते हैं तो आपका 100 नंबर क्लियर हो जाएगा। और 50 नंबर के लिए जितना अभी तक 2019 में एग्जाम हुआ, चाहे उससे पहले एग्जाम हुआ, सारा 2011 से लेकर अभी तक बना डालिए, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, इतना कीजिए, तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। और ये किताब देख लिए, वो किताब देख लिए, ऐसा कीजिएगा ना तो आपका मेन फोकस नहीं हो पाएगा, इसलिए ग्रुप को भी हमने लॉक कर दिया कि वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पूछा गया है, वो किया जा रहा है। उससे बढ़िया कि आप बुक पढ़ लीजिए, जो एनसीईआरटी का बुक आता है ना उसको पढ़ डालिए, आपको टाइम भी समय कम है, और बिजनेस स्टडीज का नोट्स भी वहाँ हमने डाल दिए। जो भी चीज़ें आपको चाहिए था हमने दोनों लगभग 700 रुपये में दोनों सब्जेक्ट अवेलेबल करवा दिए, दोनों जरूर पढ़ के चाहिए ये, इसलिए मतलब प्राइस से तो नहीं नहीं मिलता, लेकिन ऑनलाइन वेब वाले वो आईटी वाले डाले हैं इसलिए वो उतना में मिल रहा है, नहीं तो हम ऐसे होता तो ऐसे ही दे दिया जाता है। लेकिन उसको अगर आप करिएगा तो कुछ तो फायदा जरूर मिलेगा आपको, एग्जाम में पता चलेगा। अभी केवीएस का एग्जाम चल रहा था, कंप्यूटर का छोटा सा हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी एक इनपुट और डिवाइस वाला पूछ दिया था, अगर पूरा बनाया गया होता कुछ और होता है, लेकिन समय का इतना अभाव है क्या कहा जाए। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वाणिज्य संकाय वाले जो भी हैं मेरी बातों को समझ सके होंगे। अब व्हाट्सअप फेसबुक ये सारी चीज़ों पे पढ़ाई नहीं होती है, बुक से पढ़ाई होती है, उन चीज़ों को दूर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह इन चीज़ों को दूर कीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए, जो बुक है जो पीडीएफ है उसे लाइन बाय लाइन पढ़िए, ये टेस्ट दे दे, वो दुनिया बहुत ब्रॉड है, सारी चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर सकते। अगर थ्योरी वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर रखिए, एग्जाम में अच्छा करेंगे, लास्ट में वो प्रैक्टिस सेट बना लीजिए। अब मुझे विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे अगर इतना कर लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।